भारत में अब बहुत जल्द एंटीबॉडी कॉकटेल से होगा कोरोना के मरीजों का इलाज। कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए भारत के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने स्विट्जरलैंड की रोश फार्मा कंपनी में बनाई गई इस मेडिसिन के इमरजेंसी यूज को हरी झंडी दे दी। गौर करने वाली बात यह है कि ये एंटीबॉडी कॉकटेल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी कारगर साबित हो चुका है। पिछले साल अक्टूबर में कोरोना संक्रमित होने के बाद ट्रंप पर इस ड्रग का आपात इस्तेमाल किया गया और वो जल्द बीमारी से उबरने में कामयाब रहे। कोरोना किलर एंटीबॉडी कॉकटेल में क्या है? आम बोलचाल में कॉकटेल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर, और रोश फार्मा कंपनी का ये कॉकटेल दो एंटीबॉडी को मिलाकर तैयार किया गया है जिसके नाम है कैसिरिविमैब और इम्दीविमैब। ये दोनों दरअसल लैब में तैयार किए गए मोनोक्लोनल यानी एक कोशिका से क्लोन किए गए प्रोटीन है जो इंसान के इम्यून सिस्टम को वायरस से लड़ने के लिए तैयार करता है। कॉकटेल कैसे करेगा कोरोना का काम तमाम? अब हम आपको दिखाते हैं ये दोनों एंटीबॉडी कैसे काम करते हैं। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस इंसान के शरीर में घुसते ही सबसे पहले स्पाइक प्रोटीन के सहारे कोशिकाओं को अपनी जकड़ में ले लेता है। कैसिरिविमैब और इम्दीविमैब एंटीबॉडी का कॉकटेल यही अपना काम दिखाता है। शरीर में वायरस की आहट मिलते ही दोनों एंटीबॉडी कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर धावा बोल देते हैं। स्पाइक प्रोटीन के नष्ट होते ही वायरस मानव कोशिकाओं की सतह से जुड़ने में नाकाम हो जाता है और शरीर में संक्रमण के बढ़ने का खतरा टल जाता है। रोश फार्मा कंपनी के मुताबिक स्पाइक प्रोटीन पर हमला करने वाली ये दवा अपनी इसी खासियत की वजह से COVID-19 वायरस के सभी मौजूदा वेरिएंट को नाकाम करने में सक्षम है। एंटीबॉडी का ये कॉकटेल 12 से ज्यादा उम्र के हाई रिस्क वाले मरीज पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई रिस्क पेशेंट का मतलब है ऐसे मरीज जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो या कम उम्र के ऐसे पेशेंट जो हार्ट, लंग, किडनी की दूसरी बीमारियां या हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी अन्य बीमारियों से ग्रसित हो। हालांकि ये कॉकटेल हल्के या मध्यम संक्रमण की हालत में ही बीमारी को और गंभीर होने से रोकने में कारगर हो सकेगा, क्योंकि एक बार कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन व्यापक तौर पर बॉडी सेल्स को अपनी जकड़ में लेने में कामयाब हो गए तो ये डबल एंटीबॉडी काम नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस डबल एंटीबॉडी कॉकटेल को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है और दोनों एंटीबॉडी के 600-600 मिलीग्राम का कंबाइंड डोज मरीज की नसों में इंजेक्ट किया जाता है। कोरोना पर कितना कारगर है एंटीबॉडी कॉकटेल? रोश फार्मा कंपनी के मुताबिक तीसरे ट्रायल में इस एंटीबॉडी कॉकटेल को दुनिया में 4,567 हाई रिस्क लोगों पर आजमाया गया और 70% केस में न सिर्फ मौत के खतरे को टाला जा सका बल्कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा कैसिरिविमैब और इम्दीविमैब एंटीबॉडी के असर से मरीजों में कोरोना के लक्षण भी 4 दिन पहले दिखने बंद हो गए। किस किस देश में एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल? गौर करने वाली बात यह है कि स्विट्जरलैंड के एंटीबॉडी कॉकटेल के इमरजेंसी यूज को भारत के अलावा और भी कई देशों में मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन के सभी देशों में इसका इस्तेमाल जारी है। भारत में कब तक और कितने में मिलेगा एंटीबॉडी कॉकटेल? रोश फार्मा इंडिया का दावा है कि बहुत जल्द एंटीबॉडी कॉकटेल की सप्लाई भारत में शुरू हो जाएगी। भारत में इसकी मार्केटिंग और वितरण की जिम्मेदारी सिप्ला लिमिटेड के पास होगी। हालांकि एंटीबॉडी की पहली खेप कब और कितनी संख्या में भारत पहुंचेगी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, न ही अभी भारत में इसकी कीमत तय की गई है। हालांकि एंटीबॉडी कॉकटेल की बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत जल्द इसकी घोषणा की जा सकती है।